नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया डे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने गूगल पे से अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन पर रिचार्ज किया है और वो रिचार्ज यदि आपको प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फेल्ड हो चुका है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रिचार्ज किया है रिसेंटली, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा जो रिचार्ज है ना, वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन। ये जो मैंने 49 का रिचार्ज किया ना, वो कन्फर्म हुआ नहीं है और मेरे अकाउंट से पैसे भी कट चुके हैं और मेरा रिचार्ज कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी मेरा रिचार्ज भी नहीं हुआ और मेरे पैसे भी अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये पैसे आपको कैसे रिफंड लेने, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपको अपना गूगल पे ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट एक्टिविटीज के अंदर ओपन कर लेना है। जो भी आपका रिचार्ज प्रोसेसिंग है, जैसा कि या आपका वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन दिखा रहा है, जो आपका रिचार्ज कंप्लीट नहीं हुआ और आपके पैसे कट चुके हैं, उस रिचार्ज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पेमेंट स्टार्टेड, जो लास्ट जो स्टेप है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ, रिचार्ज प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट डिस्प्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस डिस्प्यूट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सबसे आपको ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मनी डेबिटेड बट रिचार्ज नॉट प्रोसेस, यानी आपके जो पैसे कट चुके हैं और आपका रिचार्ज प्रोसेस दिखा रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्यूट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप करोगे तो आपको डिस्प्यूट रिस्वेट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और जो भी आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो ले ली जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपकी जो आपने अभी रिक्वेस्ट डाली वो ले ली गई, जिसे ही गूगल पे कस्टमर केयर इसको रिव्यू करेगा। उसके बाद में जो भी आपका जो अगर रिचार्ज कंप्लीट नहीं होगा तो आपको अपना पैसा दोबारा अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, और रिचार्ज कंप्लीट हो जाता है तो आपको पैसा रिफंड नहीं होगा, यानी जो आपका रिचार्ज किया ना वो ही सक्सेसफुल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना जो पैसा लगाया ना वो बीच में अटक गया, उसको आप सही कर सकते हो या रिफंड ले सकते हो, या जो भी आपने रिचार्ज किया ना उसे सक्सेसफुल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।